हेलो गाइस, आज हम बनाते हैं हगी वगी मास्क। सो इसके लिए हमें एक A4 साइज़ पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है और अपने बच्चे के फेस के अनुसार उसको नाप कर हगी वगी का हाफ फेस बनाना है। ठीक इसी तरह से जैसे एक विक्स की गोली होती है, ठीक उसी शेप में बनाना है और बस थोड़े थोड़े बाल निकाल देने हैं। ध्यान से उसका माउथ पार्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सारी डेकोरेशन का जो श्रेय जाएगा उसके माउथ पार्ट पे ही जाएगा। इस तरह से इसको कट कर लीजिए। इसके माउथ पार्ट के अनुसार हमें एक ऑरेंज कलर या रेड कलर का एक स्ट्रिप काट लेना है। ठीक इसी तरह से और इसके माउथ के अंदर का जो वाइट पार्ट है उसके नाप के अनुसार हमें एक ब्लैक कलर का पार्ट काटना है। अब हम आइज़ बनाएंगे। मेरे बच्चे की आइज़ के अनुसार मैंने 5.1 सेंटीमीटर का डायमीटर का सर्कल लिया है, तो आप भी अपने बच्चे के अनुसार देख लीजिए इस तरह से। 5.1 सेंटीमीटर मुझे काटना पड़ा और मुझे चार पीस काटने पड़े क्योंकि मुझे दो फेस मास्क बनाने हैं इस तरह से। ठीक इसी तरह से 1 सेंटीमीटर कम करके आप एक ब्लैक कलर का पेपर लीजिए और 4 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल काट लीजिए इस तरह से। इस तरह से इसके मिडल पार्ट को हमने काटा है ब्लैक पेपर पे, जो कि इसमें सेट हो जाएगा। और इस तरह से बनेगा हगी बगी का भयानक मुंह। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। मेरे पास एक बॉक्स का टुकड़ा पड़ा हुआ था ब्लू कलर का, पेपर लीजिए और इसी तरह से इसको कट कर लीजिए। इसका कट करने का तरीका बहुत आसान है, जिस तरह से बस बीच से फोल्ड करके इस वाइट पेपर को उसके साथ रख कर आप उसी तरह से निशान लगाकर आराम से काट सकते हैं। बालों का कोई डिज़ाइन नहीं है, बालों को आप आराम से किसी भी तरह से काट सकते हैं। अब इस वाले पेपर के सारे बाल काट कर मास्क का बेस तैयार करना है, क्योंकि हम बोर्ड पर इस तरह से बाल नहीं बना सकते हैं क्योंकि बोर्ड बेकार हो जाएगा और वो चुभेगा भी बच्चों को इस वजह से। तो बेस को बिना शार्प किए आसानी से इसी तरह से विक्स की गोली की शेप में काट लेना है। अब इसे कट कर लीजिए। ये रहा हमारा बेस और ये रहा पेपर। इसको पेस्ट करने से पहले हमें डोर बांधने के लिए छेद करने पड़ेगा। आपके बच्चे के कानों का पार्ट जिस तरफ से होगा उसको नाप कर उसमें छेद करिएगा और यहाँ पर कोई रबर बैंड या डोरा डाल दीजिए।
आप डोरे को बांध बांध कर बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो शोभा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तो पेपर के ऊपर से डोरा आएगा तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। इस वजह से आप इस गत्ते में, मतलब कि इस हार्डबोर्ड पर, कार्डबोर्ड पर पहले से ही छेद कर कर इसमें डोरा डाल दीजिए, ताकि ये डोरा पेपर के पीछे छुप जाए। आप चाहो तो आइस के लिए पहले से गोले काट सकते हो इस हार्डबोर्ड पर, लेकिन मुझे आपको पूरी तरह से इसका फेस दिखाना है, इस वजह से मैं आपको इसमें काट कर नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से बेस तैयार है। फेविकोल की हेल्प से इस ब्लू पेपर को अच्छे से इस पे चिपका दीजिए। ठीक इसी तरह से तब हमने जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप काटी थी माउथ पार्ट की, उससे पहले हम ब्लैक कलर का पार्ट लगाएंगे और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पार्ट लगाएंगे। पहले ब्लैक कलर का पार्ट लगाइए इनर साइड ऑफ माउथ, और उसके बाद इसके लिए थोड़े छोटे छोटे टीथ काट लीजिए, जैसे हगी वगी के होते हैं, टेढ़े मेढ़े किसी भी तरह से आप काट लीजिए छोटे छोटे। इस तरह से कैसे भी बना लीजिए टीथ, उसका कोई नाप नहीं है कि कैसे भी बना सकते हैं टेढ़े मेढ़े। ये थोड़ा बड़ा है, इसको नहीं लगाऊंगी, छोटे छोटे लगाने, थोड़े माउथ के अकॉर्डिंग चलना है। थोड़ा सा डेंजरस भी लगे, फ्रेश लगे। और इस तरह से हमें छोटे पार्ट इस तरफ से लगाने हैं। अब हमें ये स्ट्रिप लगा देनी है जिसके पीछे टीथ का जो बाहरी पार्ट था सब छुप गया, ये माउथ पार्ट तैयार है। अब हम आइस के लिए, अब इस तरह से इसको नाप कर इसको इस जगह को काट भी सकते हैं आइस के लिए। इस तरह से आप ब्लैक के ऊपर, ब्लैक के पीछे वाइट कलर चिपका कर इस तरह से आइस का लुक देंगे। एक ऊपर थोड़ा सा, एक ऊपर होगा एक थोड़ा सा नीचे होगा। अब एक छोटे छोटे से सर्कल काटने हैं जो आइस के बीच में लगाने हैं, बहुत छोटे से। इस तरह से, और ये है हमारा हगी वगी का फेस तैयार। मैंने दो मास्क बनाए हैं हगी बगी के, पिंक और ब्लू, जो बहुत फेमस है। आप इसकी आईज को सर्जिकल नाइफ के ज़रिए काट सकते हैं। थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.